चलिए पहले पढ़ लेते हैं। कहता है कविता गारमेंट्स लिमिटेड विद एन ऑथराइज कैपिटल रुपीस 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 है या नहीं, ये बड़ी दिक्कत हो गई, पूरी चेकिंग करानी पड़ेगी। आपका 30 लाख तो रुपीस ही है सर, ये रुपीस कितने? इनवाइट एप्लीकेशन 20,000, ये नंबर है। 20,000 मैंने इनवाइट किया, 100 रुपये का एक, यानी 20 लाख। पेबल एज 30 ऑन एप्लीकेशन, 40 अलॉटमेंट। तो मैं सबसे पहले छोटी छोटी जानकारी लिख रहा हूँ। ऑथराइज कैपिटल 30 लाख, और अगर नंबर की बात करें तो 30,000। इशूड कैपिटल 20,000, ठीक है ना? कहता है भैया 100 रुपये बनते हैं। मैंने हाँ जी, इस 100 रुपये की जानकारी आपको देते हैं। कहता है 100 रुपये में 30 रुपये एप्लीकेशन पे। मैंने बोला ओके। इसके बाद 30 के बाद 40 अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम, ओके। इसके बाद बोलता है 40 फाइनल कॉल। तो अगर देखा जाए तो 40 फाइनल कॉल पे ले गया, आपको बताना है प्रीमियम कितना है। अगर 40, तो इनका जोड़ तो भाई 110 हो रहा है। तो वेरी वेरी सिंपल, यहाँ पे 10 रुपये रहा होगा प्रीमियम, और यहाँ प्रीमियम का अमाउंट रहा है, और क्वेश्चन ने बोला भी है। तो 30 रुपये यहाँ पे शेयर कैपिटल है और 10 रुपये यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम है। आगे की कहानी देखते हैं। कहता है द एप्लीकेंट 15,000 शेयर, उसको पूरे 15,000 दे दिए, यानी यहाँ पे एक सीरीज बना रहे हैं क्या सर? अप्लाई एंड अलॉटेड। नंबर वन, जिसने मांगे 15,000 उसको मिले पूरे 15,000, ठीक है? आगे, जिसने मांगे 2,500 उसको दिए निल, जिसने मांगे 2,500 उसको दिए निल, जीरो। जिसने मांगे 18,500 उसको दिए 5,000। अब यहां पे देख रहे हो आप, 18,500 मांगे और मिले कितने? तो इनके बीच का गैप देखो कितना है। तो मे बी सम हाउ पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ का पैसा ना अलॉटमेंट के बाद भी चला जाए, ठीक है ना? इसके बाद देखा जाए तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट टुवर्ड द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। सवाल ने खुद ही बोल दिया कि फाइनल कॉल पे भी एडजस्ट करना है, तो बड़ी सीधी सी बात है, यहाँ पे फाइनल कॉल पे भी एडवांस जाएगा। इन द कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, ऑल द मनी वॉज रिसीव ड्यूली एक्सेप्ट द फाइनल कॉल 10,50 शेयर फ्रॉम द एप्लीकेंट बिलोंगिंग टू फुल अलॉटमेंट। कहता है कि भैया 1,050, यहां पे एक व्यक्ति है, यहां पे एक व्यक्ति है, यहां पे उसके पास 1,050 शेयर थे, वो यहां से बिलोंग करता था इस वाले कैटेगरी से, और वो फेल हो गया। कहाँ पे सर? वो यहाँ फेल हो गया देने में, ठीक है? कहता है कि इन द कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑन 1,050 शेयर फ्रॉम द एप्लीकेंट बिलोंगिंग टू द, बिलोंगिंग मतलब किस कैटेगरी? अब देखो हमारे पास ना तीन कैटेगरी है। अब सवाल बोलेगा या तो तू इसके अंदर आ रहा है, या तो तू इसके अंदर आएगा, या फिर तू इसके अंदर, तो बताएगा वो सवाल आपको। एप्लीकेंट बिलोंगिंग टू द अलॉटमेंट कैटेगरी, अंडर राइटर कमीशन अमाउंट 30,000। बोला कि इसके साथ साथ हम अंडर राइटर को कमीशन भी देंगे 30,000, जो कि जैसे पिछले क्वेश्चन में था ना प्रमोटर का एक्सपेंस, सेम ऐसे अंडर राइटर का कमीशन रहने वाला है। गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन एंड शो द कंपनी बैलेंस शीट विद द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। बोला विद द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मतलब सिर्फ शेयर कैपिटल वाला हिस्सा हमें बताना है यहाँ पे, ठीक है ना? सिर्फ शेयर कैपिटल वाले की बात करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस पे भी नहीं जा रहे, हालांकि होगा इसमें लेकिन हम नहीं जा रहे अभी फिलहाल। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे फेलियर है तो फटाफट से हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो जर्नल एंट्री कहाँ स्टार्ट करें? सवाल को थोड़ा छोटा करते हैं। चलिए जर्नल एंट्री, पहली एंट्री बैंक। कौन बच्चा बताएगा, कौन बताएगा कितना अमाउंट आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। अब मजे की बात देखो, यहां पे एक शेयर्स में पूरे में ये नहीं बताया कितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, तो अब टोटल करेंगे, अप्लाई वाले को टोटल करेंगे तो रिसीव होता है।
तो कितने हो गए, सही से टोटल किया ना। और इसके बाद लिखा है इसमें, मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया। अच्छा रिसीव 36,000, ठीक है। तो चलिए बताइए क्या अमाउंट आएगा। तो 36,000 को हम करने वाले हैं 36,000 गुना में 30, 30 से करेंगे, 3 से नहीं, 10 लाख, 10,80 आएगा ना। चलिए पहले एंट्री में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सर बैंक। अब जब इतना ज्यादा गैप होता है ना तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है कहीं इसके पैसे एडवांस से भी तो एडवांस नहीं चले गए। तो एक बार इसका हमें कैलकुलेशन कर लेना चाहिए रफली। कैसे कैलकुलेशन करने का तरीका देखो, 5,000 और भाई तेरे से मैं मैक्सिमम मांग सकता हूं कितना, 110 रुपए। तो तेरे से मैं मांग सकता हूं कितने टोटल मांग सकता हूं, इससे ज्यादा तो मैं मांग ही नहीं सकता तेरे से। लेकिन तूने कितने दिए होंगे, 18,500 और गुना में 30, कितने बनते हैं बताइए इंटू करके। ये भी सेम सेम, 5,000 फालतू। चलो देख लेते हैं, 30, 0, 15, नहीं फिर से 0, सही से कर लो एक बार। 5,55,000। तो भाई बच्चों ने बताया, बच्चों की बातों पे मैंने विश्वास कर लिया है, 5,55,000। डेली सोचता हूँ मैं अपने लिए कैलकुलेटर खरीदूंगा, ले नहीं पा रहा मैं। तो अब देखिए कैसे मैं सोच कैसे रहा हूं, मेरी सोच को देखना। मैंने सोचा यार इससे कैटेगरी वाले से ज्यादा कितना मांग सकता हूँ, 5,50, लेकिन उसने तो 5,55 दे दिए। इसका मतलब भाई इसके पैसे भी वापस करने चाहिए, है ना, दिमाग लगाओ। क्योंकि मैं उससे मांग ही कितना सकता हूँ, 5,50, ये है ना, उससे मांगी कितना सकता हूँ, लेकिन वो दे कितना गया। तो भाई 5,000 में कैसे रोक सकता हूँ, वापस करना होगा। तो जब बैंक से वापसी करेंगे ना हम, तो बैंक से वापसी के अंदर एक नील वाले को तो कर ही देंगे। भाई नील वाले इधर आ जाओ, 5,500 2,500 × 30, तुम तो जाओगे ही जाओगे, और प्लस में यहाँ पे 5,000 और। ये क्वेश्चन में कैच होता है, ठीक है ना, जो कि बच्चे कई बार क्या करते हैं जल्दबाजी में कर देते हैं और फिर लास्ट में गलती हो जाता है उसका। तो यहाँ पे देखा जाए तो सर 10,80,000, यहाँ पे तो सर हमने इशू कितने किए हैं सर 20, तो 20 × 30 दैट इज 6 लाख, ये कितना होगा, 25 × 3 ये 75,000 होगा, और 80,000 और टू एडवांस, सर एडवांस कितना रहेगा, पूरे 5,00,000। एक बार चेक करना, किसी को डाउट है तो पूछना, क्योंकि पिछली क्लास में बच्चों ने ऐसे ही पॉइंट पे पूछ पूछ के बहुत सारा व्हाट्सएप भर दिया मेरा। तो आप देख लो कि भाई इसमें डाउट तो नहीं है। एंट्री भी बता दिया सुजीत ने, सर इक्विटी शेयर बैंक में 80 लिखो और एडवांस में ले जाके 2,00,000 रुपए और टू एडवांस फाइनल कॉल 2,00,000 है। हाँ सही बोल रहा है, ये गलत हो गया ना। हाँ एडवांस में कितना आएगा, 2,00,000 तो आएगा, क्योंकि ये क्योंकि 5,000 है और 5,000 वालों से एडवांस क्या मिला होगा, एक तो ये एडवांस और एक ये एडवांस, यानी इंटू में 80, तो एडवांस में कितना आएगा, 2। अब इसको और तोड़ देते हैं, कुछ बच्चे ना फिर इस पे सर पकड़ लेंगे। इससे अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन बिठा ही लेते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन ही बिठा लेते हैं। सर टोटल कितना आया, 5,55,000 लेस एडजस्ट, कितना एडजस्ट भाई, तेरे को दिया ही 5,000 है इंटू में 30, 1,00,000, बचे कितने, 4,00,000। अब इससे अलॉटमेंट पे कितना मांगूंगा, 40 के हिसाब से, तो 5,00,000 × 40,
दैट इज 2 लाख। अब भाई बचे कितने, 3 लाख। ये कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा? पांच पचपन, ठीक है ना? 5 55 में से माइनस हुआ 1 50, तो क्या बचा? 4 लाख। और 4 लाख 5 हजार में से ये माइनस हुआ तो क्या बचा? 2 लाख। अब कॉल कर लेते हैं किससे, फाइनल कॉल। तो कितने मांगेंगे? 2 लाख। तो अभी भी कितना बच गया? 5 हजार। तो इस तरीके से देखा जाए, इस तरीके से देखा जाए, तो इस तरीके से यहाँ पे टू अलॉटमेंट एडवांस, अलॉटमेंट एडवांस ये तो 80 है सर। अलॉटमेंट एडवांस जाएगा 2 लाख, और टू जाएगा हमारा कॉल्स इन एडवांस, इन एडवांस 2 लाख। अब चेक कर लीजिए आप, ठीक है? अब चलिए सर अगले पॉइंट पे चले। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला कॉल कौन सा होगा हमारा? शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और सर कितने हैं यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ शेयर? 20 हजार इंटू में 40, 8 लाख। 8 लाख कैसे आया सर? 20 हजार 40, और ये 6 लाख, और ये 2 लाख, ये 2 लाख, 2 लाख। अभी पूछेंगे सभी से किसको समझ में क्या नहीं आया है ना, बस 2 मिनट वेट करो, एक एंट्री करने दो बस मुझे, फिर पूछते हैं। अभी रुक जाइए, अगली एंट्री। बैंक कोई भी फेलियर है नहीं, बस एडवांस कट जाएगा यहाँ। और टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट सर बैंक में कितना आना है? 8 लाख माइनस 2 लाख इजिकल टू 6 लाख, 2 लाख और 8 लाख। अब बताइए डाउट, मैं दोबारा समझा देता हूं। देखो हुआ ऐसा कि इस कैटेगरी वाले ने बहुत ज्यादा पैसा दे रखा था, है ना, ये कैटेगरी वाला। तो हमने क्या करा, एक रफली वर्किंग नोट बना लिया इस कैटेगरी वाले का। और रफली वर्किंग नोट आप देखोगे तो क्या बनाया, कलर चेंज कर देते हैं, ये रफली वर्किंग नोट बनाया सर। क्या बनाया वर्किंग नोट? इसके टोटल पैसे भी अगर हम रिसीव करते हैं, सिर्फ मैं इस कैटेगरी का सवाल के लिए वर्किंग नोट बना रहा हूं, ये वर्किंग नोट सिर्फ इसके लिए है। अगर टोटल पैसे की बात करें तो भैया इसने 18,500 और गुना में 30 के हिसाब से देखा जाए तो टोटल पैसा इसने 5,55,000 दिए। समझ में आ रही बात आपको? अगर इसने 5,55,000 दिए तो मैंने बोला भैया मैं तुझे शेयर कितना दूंगा, तेरे को शेयर दूंगा 5,000। तो 5,000 इसके एप्लीकेशन पे इसके कितने पैसे एडजस्टमेंट मार सकता हूं मैं? 5,000 इंटू में 3, यानी एप्लीकेशन पे इसके 1.5 लाख रुपए काट लिए। 1.5 लाख काटने के बाद फिर से इसका एडवांस बचता है, और वो एडवांस कितना बचता है? 4,05,000। कैसे? इसमें से माइनस करो। अब इस एडवांस के बाद मैंने बोला रुक जा भाई, तेरे से मैं अलॉटमेंट के भी पैसे देखता हूँ कितना मांगूंगा। तो अलॉटमेंट का चेक किया मैंने तो कितना आया सर? 5,000। ये के है, 5,000 इंटू में 40, दैट इज आपका 2 लाख आ गया। तो 2 लाख रुपए 4,05,000 में से काटने के बाद फिर भी 2,05,000 आपका एडवांस बच गया। यहां तक समझ में आ रहा है? अब मैंने बोला रुक जा, आप तेरे से कॉल भी मांगी लेते हैं। तो कॉल पे भी इसका कितना बन रहा था? 2 लाख। कैसे 2 लाख सर? 40 इंटू में 5,000। फिर इसका देखा गया तो 5,000 एडवांस बच गया। समझे बात? अब शेयर एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया सर? 1,08,000। अब इक्विटी शेयर में तो पूरा ही अमाउंट जाएगा। अब बैंक से कितना वापसी होगा? एक इसका वापसी हो गया इतने से, और 5,000 रुपए जो ये वाला पैसा फालतू बचा जो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, ये वापसी कर दिया है। कॉल्स इन एडवांस में क्या आएगा? एडवांस के अलॉटमेंट एडवांस में, तो अलॉटमेंट के नाम का एडवांस तो यही है ना, सिर्फ ये अलॉटमेंट का एडवांस है और ये कॉल का। तो कॉल की जगह पे कॉल है, अलॉटमेंट की जगह पे अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इसके बाद देखा जाए तो बैंक एडवांस टू शेयर अलॉटमेंट, यहां तक कर लिया। अब बताइए जिसका भी जो डाउट है, फिर एक एंट्री करना होगा फाइनल हमें, जो कि मैं कर ही देता हूं। शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल टू इक्विटी सर कितने होंगे?
सर 20,000 इंटू में 4, 8 लाख। अब बैंक में पैसे सारे नहीं आएंगे, क्यों ऐसा सर? बैंक में सारा क्यों नहीं आएगा? एक व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा और एक एडवांस है, 8 लाख में से एडवांस कट गया 2 लाख, और एक व्यक्ति फेलियर है जिसके पास 1050 शेयर है, तो माइनस कर देंगे 1050 गुना में 42,000, तो इसको सबको माइनस करेंगे तो 5,58,000। कॉल सिनेरियर 42 कॉल्स इन एडवांस 2 लाख, और 2 शेयर फाइनल कॉल कितने सर? 8 लाख। किसी को कोई दिक्कत? अब बता दीजिए दिक्कत, फिर इसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। किसी को प्रॉब्लम? जो बच्चे कह रहे थे समझ नहीं आया, एक बार देखिए बताइए। हिना आप भी कह रहे थे समझ नहीं आ रहा। एडवांस क्यों लिया? आप कौन सी एंट्री में बोल रहे हैं एडवांस? अगर यहां की एडवांस बात कर रहे हैं तो भैया जो पैसा फालतू बचेगा वो आगे ही जाएगा, तो एडवांस है। और यहां की बात कर रहे हैं एडवांस, तो एडवांस भैया एडजस्ट होगा, तो यहां यहां की बात कर रहे हैं तो पैसा तो यहां से लेके यहां तक का दिया एडवांस, इसलिए एडवांस ले लिया। सर कॉल सीन एरियर की एंट्री में कॉल सीन एरियर देखो कैसे है। कॉल सीन एरियर आएगा आपका डेबिट ही होता है, तो 1050 और गुना में 40, क्योंकि ये शेयर होल्डर जो है, ये शेयर होल्डर बनाया था ना, ये शेयर होल्डर यहाँ फेल हुआ है, तो 1050 इंटू 40 नहीं देगा, और ये इस कैटेगरी से, तो जहां पे अप्लाई अलॉटेड तो सेम ही है, तो कोई मतलब नहीं बनता, तो 1050 इंटू में 40 सीधा। बताइए बाकी, देखते हैं यहां पे क्या कहता है कॉल सिनेरियर, और यहां पे क्या कहता है कॉल सिनेरियर। डेबिट हो गया 42, टोटल देख लेना एक बार। कॉल सिन एडवांस 2 लाख रुपीज जो पिछला चला रहा है, और टोटल करके हमारा 8 लाख आ गया। अंडरराइटर अभी करेंगे, अंडरराइटर कमीशन पहले यहां तक देख लीजिए, फिर अंडरराइटर कमीशन पे आएंगे, फिर बैलेंस शीट पे भी आएंगे। तो सर अंडरराइटर कमीशन की बात करते हैं, अंडरराइटर कमीशन यही कर दें पिछली बार की तरह। तो अंडरराइटर कमीशन टू बैंक, पिछला ही है ये 30K, और आगे देखें तो अंडरराइटर कमीशन टू स्टेटमेंट, बस खत्म। कैश बुक बोला नहीं है, बोला बैलेंस शीट है, तो एक बैलेंस शीट आपके सामने मैं बना देता हूं कि बैलेंस शीट क्या है। बैलेंस शीट ये नोट, जो बच्चे भी नए ज्वाइन हुए सीधी सी बात है आपको उनको फर्स्ट क्लास से देखनी पड़ेगी, और एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड है, मैं अगेन बोलूंगा। और आगे अगर सोचेंगे ना कि नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे तब भी कुछ नहीं समझ में आना, ये चैप्टर तो आना मस्ट है उस बच्चे के लिए। सर यहां पे नोट, सबसे पहला पॉइंट, और इस नंबर को भी याद रखिएगा, जैसे मैं लिख रहा हूं वही नंबर होना चाहिए। इक्विटी एंड लाइबिलिटी,
इसके अंदर नंबर वन आएगा शेयर होल्डर फंड, इसके अंदर पहला पॉइंट होगा ए पार्ट शेयर कैपिटल, जिसकी जानकारी मिलेगी आपको नोट नंबर वन में। और नोट नंबर वन क्या कहता है? ऑथराइज कैपिटल। सर ऑथराइज कैपिटल की हम बात करें तो ऑथराइज कैपिटल कितना होगा? सर ऑथराइज कैपिटल होगा हमारा 30,000 इंटू में 100, दैट इज 30 लाख। और ऑथराइज कैपिटल कभी भी नहीं दिखाया जाता, कहीं ऐसे ही रहेगा। आगे चलते हैं सर, इशूड कैपिटल यानी इशूड एंड सब्सक्राइब। सर इशूड एंड सब्सक्राइब अगर आप लिख रहे हो तो यहां पे फटाफट लिख दो 20,000 इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये आ जाएगा हमारा 20,000 इंटू में 100। प्रीमियम का कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात का, प्रीमियम का कोई लेना देना नहीं है। लेस कर देंगे सर कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन आपको याद होगा कॉल्स इन एरियर 42,000 आ रहा था, तो 42,000 कैसे आया था सर? 10.50 इंटू में 40, दैट इज 42,000। अगर हम इसको लेस करें तो हमारे पास जवाब आता है 19,58,000, और नोट नंबर वन में आ जाएगा 19,58,000। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, फिर इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस बना ही देंगे। अभी तो सर आपकी एंट्री रॉन्ग, कमीशन वाली अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर, अंडर राइटर अकाउंट टू शेयर, अभी देख लेते हैं उसको, पहले मैं बैलेंस शीट पे हूं। आप अंडर राइटर कमीशन को छोड़िए, पहले बैलेंस शीट देखिए। वो तो मैं ऐसे ही कर रहा था क्योंकि उसकी तो मुझे पूरी कहानी भी बतानी है, क्या लिखा था मैंने पढ़ा नहीं था, बस मैंने कर दिया अंडर राइटर कमीशन टू। प्रीवियस स्लाइड, यहां तक ठीक है ना? अब देखिए यहां पे ना बी पार्ट जो आता है ना वो आता है रिजर्व एंड सरप्लस, तो उसको तो नहीं करने वाली, सीधी सी बात है, उसको अभी हम नहीं कर रहे। ठीक है, चलिए पिछले स्लाइड पे आ जाते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं अंडर राइटर कमीशन, अंडर राइटर कमीशन अमाउंट टू द 30,000 रुपीज, अंडर राइटर कमीशन 30,000 रुपीज, इसकी एंट्री मैं एक काम करता हूं ना, अभी थोड़ी देर के लिए इसे भूल ही जाइए आप, क्योंकि मैं सबसे पहली बात तो मैं अंडरराइटर की कहानी समझाऊंगा कि अंडरराइटर होता क्या है, कैसे बनता है, किसको कितना कमीशन मिलता है, वो करेंगे। इसको आप अभी भूल जाइए दो मिनट के लिए। जो सेक्शन हमारा अप्लाई होता है अंडरराइटर के ऊपर वो सेक्शन भी देखेंगे और कैसे कैसे करते हैं। पहले आप इन एंट्री को देखिए अंडरराइटर कमीशन को छोड़ के, लास्ट एंट्री कम एक्सप्लेन कर दो। लास्ट एंट्री है शेयर फाइनल कॉल, और शेयर फाइनल कॉल कैसे आया? शेयर फाइनल कॉल पे देखोगे आप तो ये 40 है, 40 इंटू में शेयर कितने थे? 20, तो 800,000 आ गया शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर। बैंक में पैसे 800,000 आने थे, लेकिन क्योंकि यहीं पे एडवांस भी था तो वो एडवांस माइनस किया, और एरियर था उस एरियर को भी माइनस किया, तो सबको काट पीट के इतने पैसे बैंक में आए, एरियर 42 रहा, एडवांस 2 रहा, और टोटल पैसा इतना आ गया 800,000।